हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री बुक चैप्टर 1। जो आपकी क्लास 10 की हिस्ट्री की बुक है उसका ये चैप्टर 10 का थर्ड वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, किस तरीके से नेशनलिज्म आया था यूरोप में उसके बारे में देखेंगे। और बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं जो नेशनलिज्म के अलग अलग हैं, वो आपको लर्न करना है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ दिए हुए हैं, अभी मैं नीचे भी दिखाऊंगी मैं, वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ईयर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप इसको पढ़िए ज़रूर, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप विल बी फाइंड दैट देयर आर नो नेशन स्टेट एज वे नो देम टुडे। अगर हम मैप देखें तो मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, तब तक वहाँ पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब जिसके पास खुद का अधिकार होता है, वो मोनार्की नहीं रह जाता। लेकिन जैसा कि अब हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के बारे में अब जानते हैं कि जो वो पहले क्या था कि वो किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचेस में, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे, और जो कि अपने रूलर के वहाँ अलग अलग टेरिटरीज़ होते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप और अंडर, जो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ मीन्स मतलब पूरी तरीके से राजा या क्वीन के मतलब उनके अधीन में था, ठीक है। और वहाँ पर डाइवर्स पीपल रहते थे, मतलब एक दूसरे विभिन्न विभिन्न टाइप के लोग रहते थे उनके टेरिटरीज में। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, मतलब इतनी विभिन्नताएँ थी वहाँ के लोगों में एक दूसरे में कि वो एक दूसरे से किसी भी तरह से मैच नहीं होते थे, ना कोई भी चीज़ शेयर नहीं करते थे एक दूसरे से। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज में स्पोक करते थे, डिफरेंट बिलोंग करते थे ग्रुप से भी। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया, जो हैब्सबर्ग एक एम्पायर का साम्राज्य था जो ऑस्ट्रिया हंगरी पर एग्जाम्पल मतलब हंगरी पर रूल किया था, वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन, मतलब पैचवर्क मतलब बहुत मतलब एक जो हैब्सबर्ग एम्पायर वहाँ पे जो था, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैचवर्क था। पैचवर्क समझते क्या होता है, बहुत सी अलग अलग चीज़ों का संग्रह, ठीक है, उसको बोलते हैं। इट इंक्लूडेड द एल्फियन रीजन्स, द ट्राइरोल ऑस्ट्रिया एंड द सुडेंटलैंड एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एस्टोक्रेसी वर प्रेडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, मतलब कहने का था फिर भी वहाँ पे जो भी लोग थे सबसे ज़्यादा बोलने वाले जो लैंग्वेज थी वो जर्मन लोगों की थी, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ, मतलब कुछ अलग अलग इलाकों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी, कहीं जर्मन स्पीकिंग लोग थे, कहीं इटालियन बोले जाते थे, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक, मतलब हंगरी की बात कर रहा है कि वहाँ पे पूरे पॉपुलेशन के जो हाफ थे लोग वो क्या बोलते थे, मतलब उन लोगों में भी मतलब क्या थी, विभिन्नताएँ थी, ठीक है। डायरेक्ट मतलब होती है बोली, अलग अलग बोली थी, मतलब कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इससे कोई पारसी बोलता है, कोई जर्मन, कोई इटाली, इस तरह की लैंग्वेज थी। इन गैलेसिया द एस्ट्रोक्रेसिस पोलिस, अब गैलेसिया जो एरिया था वहाँ उस इलाके के लोग क्या बोलते थे, पोलिस बोलते थे, पोलैंड के लोग वहाँ मोस्टली थे तो पोलैंड की लैंग्वेज पोलिस होती है। बिसाइड थ्री डोमिनेंट ग्रुप दे ऑल्सो लिव इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, जो एम्पायर्स थे मतलब साम्राज्य थे उसकी बाउंड्रीज जो थी, एज मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, पीजेंट मतलब जो बिजनेसमैन वगैरह रहते थे, बोहिमियंस एंड स्लोवक्स टू द नॉर्थ साइड में थे, सोलोवियंस इन कार्निवला, क्रोट्स टू मी साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिलानिया। सच डिफरेंट मतलब अलग अलग ये सब यूरोप के देश हैं जो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में फैले हुए थे। सच डिफरेंस डिड नॉट ईजली प्रमोट द सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, इस तरीके से जो विभिन्नताएँ थी, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग धर्म कैटेगरी के लोग रहते थे तो वहाँ पॉलिटिकली यूनिटी भी नहीं हो पा रही थी। और द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर, मतलब कहने का था कि जो कॉमन चीज़ें एक दूसरे से सब शेयर करते थे वो ये था कि वो एक ही राजा, उन पर एक ही राजा शासन करता था, बस इतना ही था। तो मैंने अभी ऊपर बताया था इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं, कुछ डेट्स हमने पहले देखा, अभी भी जो इंपॉर्टेंट यहाँ डेट्स दिए हुए हैं या आप इसको लर्न करिएगा, ठीक है। मैं वैसे आपको इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजूंगी ताकि आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। फिर यहाँ पर द एस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए एस्टोक्रेसी मीन्स मतलब एक तरह से उदय हुआ था, मतलब एस्टोक्रेसी मतलब एक रिच पीपल को हम कहते हैं, एस्टोक्रेसी मतलब एक कुछ रिच पीपल के बारे में
और न्यू मिडिल क्लास जो फैमिली थी उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एस्ट्रोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो ये सोशली और पॉलिटिकली जो ये थे ये काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। द मेम्बर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाई ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, यहाँ के जो रहने वाले मेम्बर्स थे वे क्या थे, वे एक दूसरे के साथ क्या करते, कॉमनली चीज़ों को शेयर करते थे, ठीक है। दे ओन्ड स्ट्रीट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन, मतलब इनके खुद का घर है, खुद का जमीन कहाँ था, कंट्री साइड में भी था, मतलब गाँव में था, और घर घर कहाँ थे इनका, शहरों में रहता था, टाउन्स में ना। दे स्पोक फ्रेंच मोस्टली, क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे, ओके मोस्टली क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी के लोग थे, दे देयर फैमिलीज वर देन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, मतलब ये एक दूसरे की फैमिली में शादी करते थे। क्यों, किसके बारे में बता रही, मिडिल क्लास और एस्ट्रोक्रेसी के बारे में बता रहा है, जैसे दो फैमिली, मतलब इनको कैटेगरी का नेम रखा गया है, ठीक है। और दिस पावरफुल एस्ट्रोक्रेसी वॉज हाइपर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, मतलब यहाँ पे अब एस्ट्रोक्रेसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो अमीर लोग थे वे अपनी शादी अमीर घराने में ही करते थे, ठीक है। और चूंकि इनकी संख्या बहुत कम थी, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, मतलब मोस्टली क्या थी, बिजनेस मैन या फार्मिंग का इन लोगों का काम था, क्योंकि गांव में जमीन थी इसलिए फार्मिंग का काम था। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म बाई टीनियंस एंड स्मॉल ओनर, जो वेस्ट साइड में जो जमीन लोगों की थी, बड़ी बड़ी विशाल जमीन थी, वहाँ पे कौन खेती करता था, टीनियंस करते थे, मतलब जो किराए पे रखे जाते हैं उनके लिए, और स्मॉल ओनर्स मतलब जिनकी छोटी छोटी जमीन होती थी या खुद की जमीन से कुछ भी अगर वो ग्रो करते थे तो उस सब का गुजारा नहीं होता था, तो ऐसे लोग करते थे। जबकि ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वॉश स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्व्स, और चूंकि ये बता रहा है कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या होता था कि जो एस्ट्रोक्रेसी थी, जो रिच पीपल थी, उनकी ज़मीन पे कौन काम करता था, कौन कल्टिवेटेड करता था, सर्व्स। सर्व्स मीन्स होता है कि एक दास या दासी, जो युद्ध में हार जाते थे, किस तरीके से हार जाते थे, या जिसको राजा अपना बंदी बना के रहता था, या जिसको ये लोग अपना बंदी बना लेते थे, उसको इधर से दासी कहा सकते, दास या दासी, तो उससे काम करवाते थे। इनको काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता था, मतलब कि बहुत अधिक काम करेंगे लेकिन इनको पैसे उतना नहीं दिया जाएगा या खाने को नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से, और अत्याचार भी करते थे ये लोग। फिर यहाँ पे है कि इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स, इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के बाद बता रहा है कि सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह भी ग्रो कर दिया था, ठीक है। ग्रो करने की वजह से वहाँ बिजनेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा चलने लगा था, अलग से कॉमर्शियल क्लासेस के लोग भी इमर्ज होकर आए थे, ठीक है। और कॉमर्शियल क्लासेस की वजह से प्रोडक्शन ऑफ मार्केट भी अच्छा, काफ़ी अच्छा मार्केट भी हो गया था। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इंग्लैंड में कब स्टार्ट हुआ, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, लेकिन फ्रांस और अदर पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, लेकिन फ्रांस में और जर्मन के कुछ पार्ट में 19th सेंचुरी में आया था। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप, मतलब कहने का है जब लोग जागरूक हो गए, इंडस्ट्री में काम करने लगे, तो उन लोगों के अपनी एक वर्कर की वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बन गया, मतलब वर्कर्स थे जो इंडस्ट्री में काम करते थे, तो उनकी जो कैटेगरी बनी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बनी थी। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस मैन और जो मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब क्या बन गए थे, मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए थे, बिजनेसमैन बन गए थे, प्रोफेशनल्स बन गए थे अलग अलग तरह से, मतलब कि लोग जागरूक हो गए थे थोड़ा सा काम करके ना। तो इन सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में जिनकी जो संख्या थी वो कम थी लेट 19th सेंचुरी तक, ठीक है। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जिट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। तो चूंकि ये क्या था, ये जो पढ़े लिखे लोग थे और मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने उन लोगों के ही मन में लिबर्टी का आइडियाज़ आया था। देखिए जो रिच है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्यों ये सब पछड़ों में पढ़ना चाहेगा ना, क्यों इतना स्ट्रगल करेगा। लेकिन थोड़ा मिडिल क्लास है जो चाहते हैं कि हम इतना कुछ कर सकते हैं, वही चीज़ों में पढ़ेगा ना, तो उनको ये लगता था कि ये हम लोग भी यार पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा कुछ होना चाहिए, क्यों हम पे कोई राजा स्थल शासन करेगा, क्यों हमारी वो कोई बात नहीं सुनेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, और क्यों राजा की बात हम मानेंगे, हमारा अपना खुद का देश होना चाहिए तो हमारा अपना अधिकार होना चाहिए कहीं भी जाने का, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का। तो ये सब जो चीज़ें थी वो मिडिल क्लास जो लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों के माइंड में ही आई थी, ठीक है, कि वो नेशनलिज्म लेके आएंगे और मोनार्की को ख़त्म करेंगे।
यहाँ पे है कि एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा और है, स्टैंड फॉर सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो यहाँ लिबरल नेशनलिज्म होता है, इसका किसका क्या मतलब होता है, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप पर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, कहने मतलब अर्ली 19th सेंचुरी में लोग, मतलब लोगों के मन में ये आइडियाज आ गए थे कि किसके, लिबरलिज्म के। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट, से किससे गया, लिबर का अर्थ होता है फ्री होना। एक तरीके से मतलब ये लोग फ्रीडम चाहते थे, तो ये मिडिल क्लास फैमिली में ही आया था। बहुत न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल। जो ये न्यू मिडिल क्लास फैमिली थी, जो ये इंडस्ट्रीज में काम करने से थोड़ा सा एजुकेटेड हो गए थे, ये इन्होंने फ्रीडम के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। ठीक है, और ये चाहते थे कि सभी को एक समान इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब किसके, इक्वलिटी ऑफ लॉ बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ मतलब लॉ के सामने, हमारे कानून के सामने, या कानून के समकक्ष कह सकते हैं। ठीक है, politically it emphasized the concept of government by consensus. The French Revolution liberalism had stood for the end of autocracy. और देखा जाए तो जो French Revolution था वो इस तरीके, वो इसीलिए स्टैंडी हुआ था कि मोनार्ची को ख़त्म कर दिया जाए, autocracy मोनार्ची को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, और द क्लेरिकल प्रिविलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब कि वो लोग सोच रहे मिडिल क्लास वाले कि पार्लियामेंट बने, गवर्नमेंट बने, हमारी रिप्रेजेंटेटिव को हम वोट के तो चूज़ करें। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनोबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब कहने का था कि वो ये भी चाहते थे कि लोगों की अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, जो कि किस मतलब जिसकी प्रॉपर्टी उस पर किसी दूसरे का दबाव ना बनाया जाए बेचने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कि वो फ्रीडम चाहते थे। फिर ये यहाँ पे ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज, लेकिन फिर भी जो किसी के मन में इस तरीके से मतलब जो भी चीज़ें आइडियाज थी वो यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं थी। यूनिवर्सल सफ्रेज मीन्स क्या, कि मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब उनके मन में ये नहीं था कि अगर वोटिंग सिस्टम है तो हर एक व्यक्ति वोट करे। मतलब उनके कहने का था कि जो थोड़ा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, थोड़ा रिच हो, थोड़ा उनके पास पैसा हो, थोड़ा प्रॉपर्टी हो, सिर्फ वही वोट करे। मतलब कि अभी भी किसी के माइंड में ये इक्वलिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होती है कि 18 से अबव के सभी लोग वोट कर सकेंगे, ये चीज़ें नहीं थी अभी। ठीक है, यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी द राइट टू वोट एंड नॉट गेट इलेक्टेड बट ग्रांटेड एक्सक्लूसिव टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। मेरा मतलब वही जो मैंने बताया कि ऐसा मतलब इन लोग के मन में बस यही था कि जिसके पास प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, जो पढ़े लिखे हो वही कर सकते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं हो या जो विमन होती थी वो एक्सक्लूडेड थी किस चीज़ से, पॉलिटिकल राइट से, मतलब उनको अधिकार नहीं होता था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबीन्स डिड द एडल्ट मेल एंजॉय सफ्रेज। जैकोबीन्स मतलब यूरोप वगैरह साइड में एक जैसे नहीं, जैसे आप लोकल लैंग्वेज में देखिए कि जैसे गली वगैरह नुक्कड़ पे लोग चाय वाय की दुकान पे बैठते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे अपने व्यूज़ रखते हैं ना, तो बड़े बड़े देशों में कैफ़े जैसा होता है, उसको आप जैकोबीन्स कह सकते हैं। वहाँ पे लोग बैठ के अपने अपने व्यूज़ देते थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी में देता था, कोई सोशल चीज़ों पर देता था, तो वहाँ पे मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि उसने भी वहाँ पर डिस्कस क्या होता था, क्योंकि वहाँ जो मेल्स होंगे वही सफ्रेज वहाँ इंजॉय करेंगे। सफ्रेज मतलब राइट टू वोट होता है। फिर है यहाँ पे है कि हाउएवर द नेपोलियनिक कोर्ट इवेंट बैक टू लिमिटेड सफ्रेज एंड रिड्यूस विमन टू स्टेटस ऑफ अ माइनर। मतलब फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी जो विमन का स्टेटस था वो भी माइनर था, मेजॉरिटी नहीं आ पाया था। मतलब कहने का है कि अभी भी विमन जो किसके सहारे चलती थी, या तो अपने फादर्स के सहारे, या उनका सब कुछ करने वाला फादर होता था, या तो वो अपने हस्बैंड के सहारे होती थी, उनको अभी राइट्स नहीं मिले थे। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विमन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांड ने इक्वल पॉलिटिकल राइट। फिर भी यहाँ देखा जाए तो अर्ली 20th और 19th सेंचुरी में विमन और नॉन, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो गरीब थे, उन लोगों ने डिमांड किया था, मूवमेंट चलाए थे, किस लिए, उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। फिर है कि इन द इकोनॉमिक स्पेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर मार्केट्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब और भी चीज़ें क्या थी, जो चीज़ें चेंज हुई, अगर इकोनॉमिकल हम देखें लिबरलिज्म का मतलब, तो इकोनॉमिकल भी लोग फ्रीडम चाहते थे कि लोग जहाँ चाहें जैसे चाहे अपना सामान बेच दें, किसी तरह का कोई उनको दिक्कत ना हो,
है ना, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स भी ना देना पड़े, सामान वगैरह वो एक जगह दूसरी जगह ले जाएँ पहुँचाएँ, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर सकें, तो ये भी वो फ्रीडम चाहते थे। इसी का अर्थ होता है इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। मतलब कि धीरे धीरे 19th सेंचुरी में जब एक मतलब मिडिल क्लास जो इमर्ज होकर आई थी उनका ये डिमांड बहुत ज़्यादा था। लेट अस टेक द एग्जांपल जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। हम लोग जर्मन स्पीकिंग रीजन की बात करेंगे, उसको एग्जांपल लेंगे। कब की बात करेंगे हम, मतलब हम एग्जांपल ले रहे हैं कब की, जब फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्ड हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। मतलब उस तरीके से जैसे देखिए ये जो यूरोप था ना वो पहले बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड, ठीक है। तो फिर नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन जो था वो किसने क्या किया कि इन छोटे छोटे भागों को ऐड करके उसको 39 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। और सभी स्टेट की अपनी खुद की क्या थी, करेंसी थी और वेट एंड मेजर अलग अलग थे। मतलब किसी का वेट कहने का मतलब क्या, जैसे हमारे यहाँ 1 kg का मीन्स कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो किसी के 900, मतलब किसी जो स्टेट थे जो कोई टेरिटरी था किसी का मतलब 900 था, किसी का 940, किसी का 950, तो किसी का 1100, इस तरीके से उन लोगों का ग्राम अलग अलग था, वेट और मेजर करने का तरीका अलग अलग था। और एक मर्चेंट मैन ने बता रहा है कि अगर 1833 की बात बता रहा है क्योंकि अर्ली 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अर्ली 18th सेंचुरी में 33 की अगर हम बात करें तो एक अगर मर्चेंट है, बिजनेसमैन है, समझ लीजिए व्यापारी है, जिसको कि हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है कुछ सामान को बेचने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करने होते थे और सभी जगह फिर 5% उसको क्या देने पड़ते, टैक्स देने पड़ते, जो कि उसके गुड्स का, उसके सामान बेचने का, उसके प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा होता था। ड्यूटीज़ वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजर्स। मतलब कि ड्यूटीज़ मीन्स होता है टैक्स वगैरह जो देने होते थे वो वेट के अनुसार। मतलब सपोज़ करिए हम यूपी में है ना, तो अगर नहीं माने जब इंडिया में है, तो हम जब इंडिया में हैं तो इंडिया के हम अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं। मतलब आप यूपी में जा रहे हैं तो वहाँ पे 1 kg का मीन्स अगर आपका कोई सामान है तो वहाँ पे 900 है। अब कहीं और आप बिहार वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ 1 kg का मीन्स 1100 ग्राम है। तो इस तरीके से बता रहा था कि अलग अलग था, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रॉफिट का उसको टैक्स देना पड़ता था। तो एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स इन वॉट टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, कैलकुलेशन भी काफ़ी टाइम लगता था क्योंकि सभी जगह का वेट एंड मेजर अलग अलग था। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ जगहों का जो था मेजर कपड़े का जो मीटर सेंटीमीटर अभी करते हैं, कुछ जगह के इले भी था, ठीक है। इले वो कहते थे कपड़े के लेंथ को, जो कि इसका मेजर भी हर जगह अलग अलग था लेंथ, ठीक है। जैसे 1 meter स्क्वायर पे 100 cm होता है, तो मान लीजिए किसी का 200 रहा हो, किसी 150, कोई 140, इस तरीके से। तो यहीं पर यहाँ पर बता रहे हैं आगे है कि सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिकल चेंज। ये सब जो चीज़ें थी वो काफ़ी ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावट लेके आई थी इकोनॉमिकल चेंज ले आने में, ठीक है। और मतलब जो न्यू कॉमर्शियल क्लासेस थी जो उनके लिए काफ़ी ऑब्स्टिकल्स मतलब रुकावट लेके आई थी। वो आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलॉइंग द अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब कि जिन्होंने आर्ग्यू किया था, मतलब बहस किया था या कहिए आपने संघर्ष किया था, मूवमेंट चलाए थे इसके खिलाफ कि ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, मतलब एक करेंसी होनी चाहिए, इस तरह से नहीं कि हर एक जगह जगह पे टैक्स देना पड़े, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे है इन 1834 अ कस्टम्स यूनियन और जुवेलियन वॉज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ क्रोएशिया एंड ज्वाइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, ठीक है। द यूनियन एबोलाइज टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज। मतलब कि एक जुवेलियन मतलब समझ लीजिए कि जैसे एक तरीके से ना आप सोसाइटी कह सकते हैं, संस्था मतलब बनाई गई थी, फॉर्म की गई थी किस लिए, जो कि क्या करेगा, मतलब वो डिमांड करे थे इस बैरियर्स को, जो मतलब कि जो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स देने होते थे उन लोगों को ना इस चीज़ों के लिए। तो फिर यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा कि क्या होना चाहिए, द यूनियन एम्प्लॉयज टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 32 to 2। मतलब कहने का है एक तरीके से संस्था बनाई गई, सोसाइटी बनाई गई, जिसकी डिमांड क्या थी कि करेंसी जो इतनी ज़्यादा है, 30 करेंसी चल रही थी पूरे देश में, उसको सिर्फ 2 रखी गई, ठीक है। द क्रिएशन फॉर अ न्यू नेटवर्क ऑफ रेलवे फॉर द, मतलब कि एक जगह दूसरे को जाने के लिए नेटवर्क मतलब रेलवे का नेटवर्क काफ़ी स्टेब्लिश किया गया था और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ाया गया था चीज़ों के लिए।
पर अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिस्ट, मतलब जिस बता रहे हैं यहाँ पे कि जब रेलवे वगैरह का काफ़ी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया और हाँ, और जब उन्होंने क्या कि 30 करेंसी चल रही थी, बताइए 30 करेंसी थी, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया का क्या है, रुपीज़ है, कहीं का डॉलर होता है ना, तो इस तरीके से बता रहे हैं कि मतलब जब करेंसी सिर्फ 2 हो गई और इस तरीके से इतना ज़्यादा टैक्स देना बंद हो गया अलग अलग जगहों पे, मेजर एक कर दिए गए, रेलवे सिस्टम नेटवर्क सिस्टम कंस्ट्रक्ट कराए गए, तो काफ़ी बिजनेस करना ईजी होने लगा था ठीक है लोगों के लिए। फिर है कि अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 ठीक है। कंजर्वेटिज्म मीन्स क्या होता है, सबसे पहले उसकी मीनिंग देखते हैं। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है, मतलब कि पॉलिटिकल की फील्ड की एक फिलॉसफी होती है, डेट स्टेट द इम्पॉर्टेंस, मतलब किस पे ये प्रेशर करती हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन पे, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स पे, मतलब कि इस्टेब्लिश करिए कि एक इंस्टीट्यूशन हो, कस्टम्स हो, एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल, मतलब कहने का है कि कंजर्वेटिव मतलब होता है कि चीज़ों को संग्रहित या सुरक्षित रखने का, मतलब कि एक कल्चर हो है ना, कोई एक ट्रेडिशन हो, इस तरीके से, जैसे कि उन्होंने करेंसी को कम किया था 30 से 2, इस तरीके से कहा जा रहा है यहाँ पे कि कल्चर वगैरह भी इस तरीके से होना चाहिए। फिर क्या है कि यहाँ पे है, तो बेटा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके थैंक यू।